रोहतक में सांसद अरविंद शर्मा को मंच पर सीट ना मिलने का पूरा मामला, कबीर जयंती के समारोह में मंच पर सांसद को सीट ना मिलने के मामले पर। अब जो शर्मा है, सांसद अरविंद शर्मा, जिनकी स्टेज पर बैठे हुए फोटो सामने आई है, नई फोटो में अरविंद शर्मा मंच पर बैठे नजर आ रहे हैं। दोपहर के वक्त मीडिया गैलरी में सांसद बैठे थे। सांसद अरविंद शर्मा ने मंच पर कुर्सी ना मिलने का आरोप लगाया था। अब सांसद ने कहा था कि मंच पर ना मेरे नाम की कुर्सी, ना ही मुझे न्योता मिला। अब फोटो में सांसद मंच पर सभी नेताओं के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर, क्योंकि सुबह तक तस्वीरें जो वायरल हुई थी, जो वीडियो सामने आए थे, वहां पर अरविंद शर्मा जो है वो प्रेस गैलरी में बैठे हुए नजर आए थे। अब उनके मंच पर बैठने की जो तस्वीरें वो सामने आ रही है। अब कैसे इसे समझा जाए, क्या कुछ कयास इस पर लगाए जा रहे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, पहले तो ये तस्वीर सामने आई थी कि वो मीडिया गैलरी में बैठे हैं, अब एक फोटो सामने आई है जहां पर वो मंच पर बैठे नजर आ रहे हैं, क्या समझें अब इसके बाद? देखिए, बिल्कुल, आज रोहतक में कबीर जयंती कार्यक्रम था, प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री मनोहरलाल बतौर मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम में गए थे। दिन में ये बातें सामने आई थी, खुद जो रोहतक से सांसद है अरविंद शर्मा, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए थे कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए न्योता नहीं मिला, मुझे मंच पर कुर्सी नहीं मिली, ये आरोप लगाए गए थे। और खुद जो सांसद अरविंद शर्मा मीडिया गैलरी में वहां पर जाकर बैठ गए थे, उनकी तरफ से मीडिया से बातचीत की गई और आरोप लगाए गए मेरे लिए मंच पर कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब जो नई वीडियो और फोटो सामने आई, वीडियो और फोटो में जो सांसद अरविंद शर्मा की जितनी भी बातें हैं वो लगभग झूठी साबित यहां पर हो रही है। वो इसलिए साबित हो रही है क्योंकि मंच पर साफ तौर पर सांसद अरविंद शर्मा बैठे दिखाई दे रहे हैं और फोटो आप खुद देखिए, जो राज्यसभा सदस्य है डीपी वत्स के साथ वो बैठे हुए, डीपी वत्स वो बात करते भी नजर आ रहे हैं और उस मंच पर जो बाकी जो दूसरे नेता है, चाहे बात करें रामचंद्र जांगड़ा की बात करें, कमल गुप्ता की बात करें, वो भी इनके पास वाली कुर्सी पर बैठे हैं। यानी जो पहली रो थी, पहली रो में सबसे आगे, सबसे जो सेंटर में है मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनकी राइट साइड में अगर बात करें, उनकी राइट मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी की राइट साइड में सबसे पहले कमल गुप्ता, फिर रामचंद्र जागड़ा, फिर डीपी वत्स और फिर जो सांसद है रोहतक से अरविंद शर्मा, उनकी कुर्सी थी। अब ऐसे में जो आरोप अरविंद शर्मा की तरफ से लगाए गए, बिल्कुल एक तरीके से गलत आरोप यहां पर साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि सांसद ने साफ तौर पर कहा था कि मेरे लिए मंच पर कुर्सी नहीं थी, मुझे न्योता नहीं मिला था। लेकिन अब जो फोटो सामने आई है, इस फोटो में तो सांसद सीधा सीधा मंच पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से जो आरोप लगाए थे, एक तरह से वो आरोप बिल्कुल निराधार से साबित हो रहे हैं। और सांसद ने कहा था कि मुझे न्योता नहीं मिला, इसलिए मैं पब्लिक में आकर बैठ गया, मीडिया गैलरी में आकर बैठ गया। लेकिन जब न्योता नहीं मिला तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तो फिर मंच पर उनकी कुर्सी कैसे लगी थी, मंच पर वो फिर कैसे बैठे थे, और जो दूसरे राज्यसभा सदस्य है डीपी वत्स, उनसे भी बात करते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, लेकिन अनिल, एक तरह से देखा जाए, जब सुबह हमारी जब बीजेपी प्रवक्ता है उन अत्रे जी से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा जो है समाज के बीच में आकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर समाज के कंधे में बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा था खबरें अभी तक पर। तो क्या हम इसे यही मानकर चले, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने मनीष ग्रोवर को लेकर बातें कही थी, सीएम को लेकर बातें कही थी, आरोप लगाए थे, और अभी ये बयान? देखिए, बिल्कुल इससे तो साफ तौर पर यही लग रहा है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से भी कहा गया है कि इस पूरे के पूरे मामले पर सांसद अरविंद शर्मा की तरफ से राजनीति ज्यादा की जा रही है, और क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे अरविंद शर्मा ने, आप खुद देखिए तस्वीरें, देखिए तस्वीरें ही साफ तौर पर बोल रही है। जो जब दिन में सांसद अरविंद शर्मा दिन में मीडिया गैलरी में बैठे थे, उन तस्वीरों के आधार पर ही आरोप लगाए गए अरविंद शर्मा की तरफ से, कहा गया कि मुझे जगह नहीं मिली, इसलिए मैं पब्लिक में आके बैठा, मीडिया में आके बैठा। लेकिन अब सीधा सीधा दिख रहा है कि वो मंच पर बैठे हैं, जो मुख्य मंच है, मुख्यमंत्री से तीन, मुख्यमंत्री की जो चेयर थी उसे तीन चेयर छोड़ के चौथी नंबर की चेयर पे वो बैठे हुए। तो आरोप इनके एक तरफ से निराधार है, और कहीं ना कहीं अब जो राजनीति है, राजनीति तेज हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो अरविंद शर्मा है सरकार पर निशाना साध रहे हैं, मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन अब इन आरोपों से शायद खुद अरविंद शर्मा घिरते नजर आएंगे, जल्दी ही उनकी तरफ से सफाई भी दी जाएगी। चले, नजर बनी रहेगी इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।